गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एच एम झा, पीजीटी कॉमर्स इन अकाउंटेंसी। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। इस चैप्टर के अंतर्गत पिछले दो क्लासेज में हम लोगों ने चर्चा किया था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एंड इसके तहत तीन फेजेज हमें जानना था। पहला फेजेस था रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले दो क्लासेज में चर्चा की थी, हाउ प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स। इस चैप्टर के बारे में पिछले दो क्लासेज में हमने चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे इसी के तहत दूसरा जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की चर्चा करेंगे हम लोग। एक्सपेंडिचर्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की चर्चा करेंगे। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आई मीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जगह पे। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बी प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत केवल इनकम्स, आई मीन करेंट ईयर इनकम और करेंट ईयर एक्सपेंडिचर्स को इसमें इंक्लूड की जाती है, नॉट प्रीवियस ईयर्स एंड द नेक्स्ट ईयर एनी इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक ये रियल अकाउंट की तरह होता है। रियल अकाउंट जो पिछले 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था रियल अकाउंट के बारे में, कि रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों अकाउंट के बारे में चर्चा की थी पिछले 11th क्लास में। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स जो तैयार की जाती है, बनाई जाती है, वो बनाने के लिए इसमें हम लोग तीसरा रूल्स लागू करते हैं। पहला रूल्स है पर्सनल रियल और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स की जो नॉमिनल अकाउंट्स के जो रूल है, इसी रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाने के समय। नॉमिनल अकाउंट का रूल था ऑल द एक्सपेंडिचर्स, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो वही रूल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत भी हम लोग फॉलो करेंगे, अर्थात डेबिट साइड आई मीन एक्सपेंडिचर साइड, हियर डेबिट साइड आई मीन एक्सपेंडिचर साइड एंड क्रेडिट साइड आई मीन इनकम साइड। सो डेबिट साइड ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड। आई मीन इन डेबिट साइड जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे, खर्चे होंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, और जो भी लॉसेज होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं हम डेबिट साइड में। ठीक इसी प्रकार से क्रेडिट साइड के अंतर्गत हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ऑल रेवेन्यू इनकम्स नॉट कैपिटल इनकम्स, जितने भी रेवेन्यू इनकम्स होंगे करेंट ईयर्स के, और जो भी इनकम्स और गेन्स होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह एक पार्टिकुलर डेट को, आई मीन अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाई जाती है। किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये जो दूसरी अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाई जाती है, जिसे हम आय व्यय खाता कहते हैं, अर्थात इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो जितने भी तरह के आय होते हैं, इनकम्स होंगे, और जो भी खर्चे होंगे उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स ये साल के अंत में, जो मैंने कहा अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाई जाती है, और इसके बनाने से हमें मिलता है आइदर सरप्लस,
सरप्लस और डिफिसिट, ये दो चीजें प्राप्त होंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद। सरप्लस मींस, सरप्लस का मतलब हुआ ई एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन द इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन द इनकम्स इज कॉल्ड सरप्लस। वेयर एज इनकम्स आर मोर देन द एक्सपेंडिचर्स इट्स कॉल्ड डिफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से ये दो चीजें आएंगी, आइदर सरप्लस आइदर डिफिसिट, दोनों में से कोई एक। अगर एक्सपेंडिचर्स अधिक होगा इनकम्स के बनिस्पत तो ये हमारा सरप्लस कहलाएगा, और अगर इनकम्स अधिक होगा एक्सपेंडिचर से, एक्सपेंडिचर अगर अधिक होगा इनकम से तो ये हमारा एक्सपेंडिचर आर मोर देन द इनकम इज कॉल्ड डिफिसिट एंड इनकम्स आर मोर देन द एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। उल्टा मैंने बोल दिया था, उसको सुधार कर दीजिए। एक्सपेंडिचर आर मोर देन द इनकम इज कॉल्ड डिफिसिट एंड इनकम्स आर मोर देन द एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। आइदर सरप्लस और आइदर डिफिसिट, एनीवन कोई एक इसके बनाने से हमें आएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन्हीं चीजों को मालूम करने के लिए बनाते हैं, डिफिसिट और सरप्लस। सरप्लस और डिफिसिट ये बोथ आइदर डिफिसिट आइदर सरप्लस आर गोइंग इनटू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल फंड में, इसे हम ऐड कर देते हैं, इसे सरप्लस को ऐड की जाती है। अगर सरप्लस की जगह हमारा डिफिसिट आता है तो ये लेस डिफिसिट, जब बैलेंस शीट का निर्माण करेंगे तो इसमें कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा सरप्लस और लेस होगा डिफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद हमें या तो डिफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, उस इंटरप्राइजेज में, उन ऑर्गेनाइजेशंस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की जगह पे ही बनाई जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें मिलता है आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस मिलेगा, ये प्राप्त होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं अदर देन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाई जाती है, और इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाई जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत। अब हम आपको आगे चर्चा करते हैं कि इसे बनाई कैसे जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाई जाती है। यस, नाउ अब हम चर्चा करते हैं फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम लोग इसी प्रकार का फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग ऊपर में लिख देंगे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया हम बना रहे हैं उस
ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले आपने इस पर लिखा, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन फॉर द ईयर एंडेड हमने चर्चा की थी अभी थोड़ी देर पहले, ये साल के अंत में फिनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर के अंत में बनाई जाती है। तो यहाँ हम लोग इंडिकेट करेंगे फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंडेड में सपोज ये अमूमन 31 मार्च को बनाई जाती है ज्यादातर केसेस पे, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, अगर 2019 पिछले अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं हम लोग, 2019 या जो भी ईयर्स होंगे उस ईयर्स की चर्चा कर लेंगे हम लोग, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। इस साइड ये एक्सपेंडिचर साइड हमारा होगा, अभी वो चर्चा कर रहे थे कि यहाँ नॉमिनल अकाउंट की तरह ही होता है, और नॉमिनल अकाउंट का जैसा कि रूल है कि ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिटेड, सो दिस इज द डेबिट साइड, इस डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स एंड इस साइड में क्रेडिट साइड में इनकम को डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एक्सपेंडिचर्स की, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी हम चर्चा कर रहे थे सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर से अकाउंट, फिर नीचे फॉर द ईयर एंडेड अर्थात साल के अंत में अकाउंटिंग ईयर के अंत में जो बनाई जाती है, अमूमन ये 31 मार्च को बनाई जाती है, तो 31 मार्च 2019। डेबिट साइड में जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे, जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे, अब एक यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए, रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इन्हीं दोनों की बातें इसमें होंगी। तो रेवेन्यू इनकम्स का मतलब होगा कि वैसा इनकम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कंटिन्यूअस आ, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कंटिन्यूअस हो रहा हो वन अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत, जो भी इनकम्स हो रहे हो कंटिन्यूअस और जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वही हमारा कहलाता है रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में सबसे पहले सैलरीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो भी हमारे वर्कर्स होंगे, जो इम्प्लाइज होंगे उनको सैलरी दी जाती है। सैलरी इसमें ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब होगा कि अकाउंटिंग पिछले अकाउंटिंग ईयर जब समाप्त हुआ उस समय तक अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वह इस सैलरी में ऐड हो जाएगा, और दोनों ऐड करके यहाँ आउटर को लोग शुरू करेंगे, और इसमें लेस करते हैं हम आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। देन रेंट, देन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम में माइनस करते हैं, लेस करेंगे प्रीपेड जो पहले से पेड किया हुआ हो, और ये जो भी एडजस्टमेंट होंगे लाइक या सैलरी के साथ हमने किया या इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ, ये इनर कॉलम में शो करके और फाइनली आउटर कॉलम में शो करते हैं। देन ऑडिट फीस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरोरियम टू सेक्रेटरी होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, ऑनरोरियम ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है, इसे भी हम यहां दिखाते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन यू नो वेरी वेल, डिप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट, पिछले 11th क्लास में हमने पढ़ा था एक चैप्टर डिप्रिसिएशन, उसमें हमने पढ़ाया था, तो डिप्रिसिएशन ये फिक्स्ड एसेट पर चार्ज की जाती है, यह भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस दैट इज लॉस, एंड लॉस इज ऑल्सो डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ द लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब किसी भी फिक्स्ड एसेट को सेल की जाएगी अगर उस पर लॉस होगा तो लॉस को भी यहां दिखाते हैं। देन स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर्स है जो यहां दिखाते हैं, इसके अलावे और भी एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं, अगर हमें दिया हुआ होगा सवाल में मिलेगा तो उसे भी हम इसी रूल्स के तहत डेबिट साइड पर शो करेंगे। इनकम साइड में सबसे पहले आपने नोट करना है बाय सब्सक्रिप्शंस,
सब्सक्रिप्शन में हम ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग इनका, ऐड करेंगे एडवांस इन द बिगिनिंग, ये दोनों ऐड की जाती है। ये सब्सक्रिप्शन जो ऑलरेडी पहले से होगा पिछले अकाउंट की ईयर का, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड ऐड करेंगे एडवांस इन द बिगिनिंग, ये सारे कॉलम कॉलम में होंगे। लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और लेस करेंगे एडवांस एंड द एंड, ये चारों काम हम इनर कॉलम में करके एंड फाइनली यहाँ आउटर कॉलम में शो करेंगे। देन इंटरेस्ट फीस, एडमिशन फीस, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इनकम सर। डोनेशन, डोनेशन में मैंने लिया जनरल डोनेशन, डोनेशन इसकी चर्चा हम लोग भी अगले क्लास में करेंगे। डोनेशन फिर भी डोनेशन हैज टू टाइप्स, वन इज जनरल एंड सेकेंड इज स्पेसिफिक डोनेशन। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंतर्गत जनरल डोनेशन को रिकॉर्ड की जाती है और स्पेसिफिक डोनेशन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेशल डोनेशन बार बार नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है, इसलिए उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स एंड गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में, गेन होगा प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा इनकम्स हैं, इसके अलावा और भी इनकम्स हो सकते हैं, तो उन सारे इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को इसी फॉर्मेट के तहत, इसी फॉर्मेट के द्वारा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाते हैं। फाइनली लास्ट में हम लोग दोनों साइड को बैलेंस करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं अकाउंट्स का रूल है दोनों साइड बैलेंस करना। जब दोनों साइड हम बैलेंस करते हैं तो वन साइड इज मोर देन अनदर साइड, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड नो इनकम साइड, सो इनकम इज एक्सेस देन एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड सरप्लस। ठीक इसी प्रकार से अगर डेबिट साइड, अमाउंट ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, देन वी गेट डिफिसिट, आई मीन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इस प्रकार से इसको क्लोज करते हैं और ये जो सरप्लस या डिफिसिट, ये दोनों जो आएंगे, ये डिफिसिट या सरप्लस, ये दोनों ट्रांसफर होंगे, इसमें देखो ये होगा, ये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में और एडेड टू कैपिटल फंड। तो इस प्रकार से हम ये सरप्लस और डिफिसिट निकाल करके इसको ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में, ऐड करते हैं कैपिटल फंड में। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगे, चर्चा बार बार उसकी होगी, उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।